महाप्रज्ञा पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। तो धर्म दो प्रकार का हो गया स्वीकृति की दृष्टि से, एक जन्मना प्राप्त और एक स्वीकृत। जब आदमी स्वीकृत करता है, समझ बूझ कर स्वीकार करता है, तो वह जन्मना नहीं होता, वह एक प्रकार से कर्मणा धर्म हो जाता है। और जो व्यक्ति कुल परंपरा से स्वीकार करता है वह जन्मना हो गया। वास्तव में तो धर्म स्वीकृत होना चाहिए। जिस कुल में जन्मा मिल गया धर्म, फिर बाद में चिंतन होना चाहिए कि मुझे जो मिला है वह धर्म ठीक है या नहीं, उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं, इन सब का समालोचन हो, तब तो धर्म का उदय होता है, धर्म का विकास होता है और धर्म से लाभ होता है। जो परंपरा से मिल गया, आजकल कहते हैं ना बच्चा घर में जन्मा और खाता खुल जाता है, वैसे ही बच्चा जन्मा धर्म का खाता भी खुल गया, तो फिर लाभ उससे पूरा नहीं होता। धर्म हमारा स्वीकृत होना चाहिए, समझ बूझ कर इस कुल में जन्मा पर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वह ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो क्यों नहीं उसको स्वीकार करेगा, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पर जहाँ जन्मना होता है वहाँ फिर सम्यक आचार होना कठिन हो जाता है, और स्वीकृत होता है तब उसे सम्यक आचार की दिशा में जाने का अवसर मिलता है।